गिटहब पर कोड मैनेज करने के लिए सबसे पहली अप्रोच ये है हमारी, हम जाएंगे github.com पे, और आप या तो एक नई रिपोजिटरी बना रहे होंगे, ठीक है, कोई भी अपनी नई रिपोजिटरी बनाएंगे, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को फोर्क कर रहे होंगे या अपने पास उसकी कॉपी बना रहे होंगे, क्लोन कर रहे होंगे, और अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट, अगर आपके पास कोई रिपोजिटरी पहले से मौजूद है जिसको आपको फोर्क करना है, तो नई रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी एक्टिविटी टू, और ये वो रिपोजिटरी थी जो आपको प्रोवाइड की है, और आप यहाँ पे फोर्क क्रिएट करेंगे इसका एक, ठीक है, कंप्लीट। तो फोर्क क्या कहता है, यूजर्स ये स्क्वायर सिस्टम्स में रिपोजिटरी थी, मैं अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर इसको फोर्क करूँ, यानी ई स्क्वायर सिस्टम से एक कॉपी उठ के मेरे अपने गिटहब के अकाउंट में आ जाएगी। तो आप लोग भी इसी तरह करेंगे, और यहाँ पे ये चेक करना है कॉपी द मास्टर ब्रांच ओनली, क्योंकि मास्टर ब्रांच में ही कोड पड़ा हुआ है। आपने कर दिया फोर्क, अब जैसे ही आप फोर्क करते हैं आपके अपने अकाउंट में जो भी यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा, इस रिपोजिटरी की एक कॉपी आ गई है, ठीक, यानी जैसा कोड वहां था उस फॉर्म में एज इट इज आपके पास सब मौजूद है, और यहां से आपने क्या करना है, इस कोड को लेके आना है अपने कंप्यूटर में। अब यहाँ पे दो अप्रोचेस जैसे कि बताया, एक अप्रोच तो ये है कि आप गिटहब का अपना टूल डेस्कटॉप यूटिलिटी है वो यूज करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करके ये सारा कोड मैनेज करें। तो हम सबसे पहले पहली अप्रोच पे आते हैं, विच इज यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप, लेकिन उसके लिए पहले आपने डाउनलोड करना है गिटहब डेस्कटॉप की यूटिलिटी और ये इंस्टॉल करनी है। अब आप विंडोज पे मैक पे जो भी है, ये आपने डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर में। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं आपके पास इस तरह का एक टूल खुल के आ जाता है, तो सबसे पहले आप उस पर साइन इन करते हैं, इनिशियल लॉन्च पे साइन इन का ऑप्शन होता है, अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करें और साइन इन करने आप। अब जैसे ही आप इधर आते हैं सबसे पहले आपने काम क्या करना है, क्लोन करनी है एक अदद रिपोजिटरी। पहली बात तो आप इस नाम से सर्च भी कर सकते हैं, रिएक्ट एक्सरसाइजेस फॉर एग्जाम्पल दिस, और इसके लिए मैं कोई फोल्डर चूज करूंगा जहां भी मुझे रखना है, गो रिएक्ट डेमो, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैं कोड चेकआउट कर रहा हूँ, क्लोन। जैसे मैंने क्लोन किया मेरे पास ओके दिस इज फॉर माय ओन पर्पस, कंटिन्यू। अब आपके पास ये कोड आ गया, लेकिन ये आप कुछ देख नहीं पा रहे होंगे, सही, यहाँ आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ आपने चेकआउट किया है, यहाँ आपको पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर आपने जो भी चेंजेस करने हैं, बिलफर्ज मैं इसको खोल ही देता हूँ, ये स्कोर पे राइट फोल्डर और रिएक्ट डेमो रिएक्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब मैं एक एक्सरसाइज पे अटेम्प्ट कर लेता हूँ एंड विल सी टुमॉरो। तो पहली एक्सरसाइज थी हमारी कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज यूज करें और हेडिंग और स्लोगन सेट करवाएं, ठीक है, क्रिएट अ कंपोनेंट एंड इंपोर्ट इन ऐप, कंपोनेंट शुड डिस्प्ले हेडिंग एंड अ स्लोगन, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज ये थी कि इसको हमें ऐप के अंदर इंपोर्ट करवाना है। अब ये इंपोर्टेड पहले ही है, जस्ट मुझे इसको अनकमेंट करना होगा, ये अनकमेंट कर दिया मैंने, वंस आई अनकमेंट दिस मैं दोबारा टर्मिनल पे जाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स में गेट डेमो गेट एक्सरसाइजेस
और मैंने करना है npm install because मेरे पास अब सोर्स कोड है तो ही मेरे पास मॉड्यूल्स की फाइल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने इंस्टॉल रन किया, जितने भी अब मुझे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इस प्रोजेक्ट में चाहिए वो इंस्टॉल हो जाएंगे और फिर मैं करूँगा npm start, ठीक। तो npm start मेरा कोड लॉन्च कर देगा, ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, राइट हेडिंग है, राइट स्लोगन है। अब ये मैंने एक काम कर दिया पहली एक्सरसाइज, ठीक है। एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली, मेरा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। मैं जाऊंगा दोबारा गिट के इस टूल के ऊपर और यहां मैं देख रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि एक फाइल चेंज हुई है। फाइल कौन सी है? एप डॉट जे एस। और उसमें मैंने सिर्फ इतना काम किया है, इसको अनकमिट कर दिया बस। तो मैं यहाँ मैसेज दूंगा एक्सरसाइज वन कंप्लीट, और अगर कोई डिस्क्रिप्शन देनी है कि फाइल में चेंजेस क्या क्या किए हैं स्पेसिफिकली, तो वो आप यहाँ बता सकते हैं, अनकमेंटेड द इम्पोर्टेड एक्सरसाइज वन इन एप डॉट जेएस। मैंने कर दिया कमिट टू मास्टर, ये कोड मेरा कमिट हुआ है, इसका मतलब है लोकल मेरी इस करंट रिपोजिटरी, मेरे करंट कंप्यूटर में ये पड़ा हुआ कोड अभी तक मेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी में इस स्टोरेज में नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे एक बटन है पुश ओरिजिन, या ये भी है, आप जैसे ये प्रेस करेंगे पुश ओरिजिन, ये जो कोड है आपका जो आपने चेंजेस किए हैं, अब ये पहुंच जाएंगे आपके पास आपकी इस फोर्क रिपोजिटरी में। इसको आप रिफ्रेश करें, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी कि एक्सरसाइज वन कंप्लीट ये है जो अभी 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 कमिट किया हमने को। अगर आपको देखना है कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं तो आप सिंपली इस पे क्लिक करें एक्सरसाइज वन कंप्लीट पे, सॉरी यहाँ फाइन, और यहाँ आपको शो कर होगा गेटअप इंटरफेस की आपने क्या क्या चीजें चेंज की थी। तो दिस इज वन वे, मैं इसी तरह हर एक्सरसाइज कंप्लीट करता जाऊं, हर एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कमिट करूं कोड और पुश करता रहूं, ठीक है। आप चाहें तो चार मरतबा कमिट करें और एक साथ ही पुश का बटन दबा दें, चारों एक साथ ही पहुंच जाएंगे, लेकिन चार अलग अलग कमिट होंगे, यानी चार अलग अलग स्टेजेस आपके पास स्टोर्ड होंगी गिटहब में, आप किसी भी एक स्टेज पे कोड को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेथड नंबर टू की तरफ, जिसमें हम VS कोड को यूज करेंगे सिर्फ, और VS कोड को यूज करते हुए अपना अपनी रिपोजिटरी में कोड अपडेट करेंगे। अच्छा, इस काम के लिए हमने क्या करना है, एक्सरसाइज वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें करनी है एक्सरसाइज टू। एक्सरसाइज टू यू एज यू नो कि हमें प्रॉप्स यूज करते हुए इस हेडर को एप्लीकेशन से वैल्यूज पास करनी है, ठीक। तो प्रॉप्स डॉट हेडिंग ये एक्सपेक्ट कर रहा है पहले ही, ओके हेडिंग इज बाहम, और अब हमें एक अदद स्लोगन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहूंगा जैसा एक्सप्रेशन है तो प्रॉप्स डॉट स्लोगन, लेकिन स्लोगन में डायरेक्ट इस हेडर को कॉल कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज टू के अपने कंपोनेंट में, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा स्लोगन इज इक्वल्स टू रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट। तो ये मैंने चेंज कर दिया, अगेन मैं देखूंगा कि कोड में रिफ्लेक्ट हो गया या नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज मैं भूल गया हूँ, वो ये कि ऐप के अंदर एक्सरसाइज टू को अनकमेंट करना है। मैंने अनकमेंट किया, कोड ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ये फर्स्ट वन थी एक्सरसाइज और ये दूसरी एक्सरसाइज है बाहम रिड्यूसिंग योर कोड फुटप्रिंट, डन। आई एम सेटिस्फाइड कि मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैंने एक्सरसाइज टू भी कमिट करनी है क्योंकि मेरा दूसरा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। इस मरतबा मैं जो यूज कर रहा हूँ गिटहब डेस्कटॉप यूज नहीं करूंगा, रिमेम्बर इसमें हम कर सकते थे चेंजेस, बट अब मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का बिल्ट इन टूल। आप आते हैं इधर सोर्स कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। ये टूल है जो विजुअल स्टूडियो कोड आपको आउट ऑफ द बॉक्स देता है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है आगे एम, एम का मतलब है ये फाइल्स मॉडिफाई हो गई है, मॉडिफाई हुई है, तो इसका मतलब है कि आपने इनको पार्ट बनाना है अपने कमिट का,
रिपोर्ट आप पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा प्लस। प्लस का मतलब है ये जो चेंज है, अच्छा ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसने ट्रैक किया कि पहले ये लाइन नहीं थी, अब ये लाइन आ गई। अब चाहे तो इसको एक और व्यू होता है, आई थिंक कहते हैं इन लाइन व्यू, भी हाँ टॉगल इन लाइन व्यू। इन लाइन व्यू में आपके पास सिंगल व्यू में जो चेंजेस होंगे वो आ जाएंगे। बारह इस फाइल को मैंने कह दिया प्लस, यानी ये स्टेज कर दो, ये वो चेंज है जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ, कमिट करना चाह रहा हूँ। दूसरी फाइल पे आ गए, इसमें आपने देखा आपने क्या चेंजेस किए थे, दैट्स फाइन, इसको भी आपने स्टेज कर दिया, प्लस का साइन दबा के। अब ये दोनों जो कोड्स जो आपने फाइल्स कमिट किए हैं ये तैयार हैं रिपोजिटरी में पुश होने के लिए यहाँ पे, ठीक है। उस पुश करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एक मैसेज लिखना है कि आपने किया क्या, एक्सरसाइज टू कंप्लीट, कंट्रोल एंटर। जैसे ही हमने कंट्रोल एंटर किया, या आप ये बटन भी दबा सकते हैं, ये कोड हो गया कमिट। कमिट का मतलब ये है कि आपकी लोकल जो गिट हब की रिपोजिटरी है उसके अंदर कमिट हो गया ये। अभी आपने इसको पहुंचाया नहीं है एक्चुअल जिस रिमोट लोकेशन पे आपका आपकी रिपोजिटरी पड़ी है, यानी आपका गिट हब अकाउंट, तो वहां पे इसको कमिट करने के लिए आप यहाँ इस मेन्यू में जाएंगे और बोलेंगे पब्लिश ब्रांच भी कर सकते हो पुश। जब आपने कहा पुश तो इसका मतलब ये कोड जस्ट लाइक यहाँ पे पुश का बटन था, अब ये कोड आपने पुश कर दिया। डू यू वुड यू लाइक टू रन टू रन पीरियोडिक, चलिए ये बात की बात है। बराबर कोड आपने पुश कर दिया, या आपने रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी लेटेस्ट कमेंट क्या है, एक्सरसाइज टू कंप्लीट। तो अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज टू के कमिट में आपने जो काम किए थे वो आपके पास स्टोर हो गए। अब यहाँ इस स्टेज पे अगर आपको ये मालूम करना है कि इससे पहले क्या काम हुआ था, मतलब पूरी हिस्ट्री अगर आपको देखनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, एक ही फाइल की पूरी हिस्ट्री देखनी है, तो आप एक्सरसाइज टू पे गए और आप यहाँ देख रहे हैं टूल्स दिए हुए, दिस इज ओपन चेंजेस, कोई चेंजेस वो ओपन हो जाएंगे, रन कोड, और ये है कंपेयर फाइल विद प्रीवियस वर्जन, यानी इस फाइल की जो पुरानी स्टेज थी स्टेट थी वो बताओ क्या थी। तो ये आप आ गए इस इसी के पिछले वर्जन पे, और पीछे जाना है एक स्टेप, वंस मोर दैट्स टेकिंग वन स्टेप इवन फर्दर बैक। तो इस तरह से आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, और अगर आपको लगे किसी भी पॉइंट पे कि यार ये वर्जन है जो कि पहले सही था काम, कोई फाइल ब्रेक हो गई है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी एक्सरसाइज थी, बल्कि एक काम करते हैं एक्सरसाइज 3 पे आते हैं, और जहाँ मुझे कुछ गलत करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3 कह रहा था कि आपने स्टेट हुक यूज करना है, यूज स्टेट हुक यूज करना है, और करना क्या है, हेडिंग आपकी मरून होनी चाहिए और स्लोगन इटैलिक होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग का स्टाइल हो गया कलर मरून, स्लोगन का स्टाइल मुझे चाहिए इटैलिक। तो आप मैं यह करता ही हूँ, वैसे कह देता हूँ कि टेक्स्ट बल्कि इसको भी मैं कह देता हूँ कलर मरून, सही मेरा ये भी कलर मरून होगा, और ऐप के अंदर एक्सरसाइज 3 को भी मैंने अनकमिट कर दी। अब ये मैंने एक गलती की है यहाँ पे, मुझे करना क्या चाहिए था, स्लोगन स्टाइल इटैलिक करना है, बट गलती से गलत चीज में कमिट कर रहा हूँ। तो वारन मैंने इसको एक बार फिर रन किया, और ऑफ कोर्स जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है उसमें दोनों मरून है, लेकिन ऑब्जेक्टिव था इसको इटैलिक करना। इधर वे लेट्स से मुझे याद नहीं रहा, टर्मिनेट किया, और मैंने कहा ठीक है यार जाने दो, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ मैं आके कह रहा हूँ एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, ठीक है, लेकिन पहले इन दोनों को स्टेज करना है, स्टेज चेंज, और इसको भी स्टेज कर दिया, दैट्स इट, और मैंने कर दिया कमेंट, कमेंट हो गया गुड। लेकिन
इससे पहले कि मैं अपनी अपने रिपोजिटरी में इसको पुश करता, मुझे याद आया नहीं यार ये कुछ सही नहीं लग रहा, कोई इशू है, दोनों में कलर मरून नहीं होना था। फिर मेरी नजर पड़ी कि ओके, इसका ऑब्जेक्टिव ये कि इसका कलर इटैलिक होना चाहिए। तो मैं इस फाइल की पहले हिस्ट्री देख सकता हूँ। एक चीज और है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कंपेयर विद प्रीवियस वर्जन, ये मुझे बताएगा पहले इस फाइल की क्या हालत थी, क्या स्टेट थी, पिछला वर्जन क्या था और ये वर्जन कौन सा। उससे भी पीछे जाना है क्योंकि फर्दर गो बैक इसी पीछे, सॉरी दिस वन, ये फर्स्ट कमिट था। तो एनीवेज अब मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, आई मेड अ मिस्टेक, और पहले जो था ना मेरा कोड पहले उसी शक्ल में आ जाए, उसके बाद मैं जो एरर था वो करेक्ट करता रहूंगा। तो मैं इस पे जाऊंगा, ये जो थ्री डॉट्स बने मेन्यू, और इस फाइल को मुझे करना है रिवर्ट, ठीक है। यहाँ मैं यू में रिवर्ट कर सकता हूँ, आई गो टू रिवर्ट सिलेक्टेड रेंजेस, फिर टू सेव वगैरह वगैरह ओवरराइड। नहीं नहीं अब बस एक रेंज सिलेक्ट करनी है, रिवर्स सिलेक्ट। हाँ नो नॉट वर्किंग, चले इधर वे इस पे नहीं वर्क कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गेट से भी इसको डायरेक्ट अंडू कर सकते हैं। अंडू कर, ओ सॉरी रिवर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसको कमिट कर दिया था। ओके अगर आप पहले से कमिट कर चुके हैं तो आपको कमिट को अंडू करना पड़ेगा, तो मैंने कहा अंडू कमिट, यानी मैं दोबारा उसी हालत में आ गया कोड की जहाँ पहले था। सो आई विल रिमूव दिस, अगर मैंने कमिट को अंडू कर दिया तो दोबारा यहाँ पे मुझे विजुअल स्टूडियो कोड का जो सोर्स कंट्रोल टूल है वो बोलेगा नहीं यार ये फाइल आपकी स्टेज्ड नहीं है क्योंकि आपने कमिट किया ही नहीं है। अब इसमें तो मुझे चेंज नहीं करना, दिस वॉज फाइन एज इज, मैंने इसको कमिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले गलती की थी, नाउ आई हैव टू रेक्टिफाई इट। मैं दोबारा इधर आऊंगा, मैंने यार इसको करना कोटेशंस में, एंड नाउ दिस इज फाइनल, ठीक है। तो ये मैंने रेक्टिफाई कर दी अपनी मिस्टेक, अब मैं इसको कमिट कर सकता हूँ एक्सरसाइज 3 को भी। मैंने कहा स्टेज और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, ठीक है। ये जब आपने कमेंट कर दिया तो आप चाहें तो यहाँ से पुश कर दें, वरना फिर चाहें तो यहाँ से पुश कर दें, इधर वे यू हैव टू टूल्स, दोनों में से किसी पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल, इसमें हमने कतई गिट को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखा है, यहाँ सिर्फ सिर्फ इतना ही डेमो किया है कि आपने अपना प्रोजेक्ट गिट के ऊपर कैसे पहुँचा गए। एक मरतबा आप ये काम कर चुके हो तो फिर आपने ये लिंक अपनी रिपोजिटरी का ये लिंक शेयर करनी। आई होप यू फाइंड दिस वैल्यूएबल, और जो भी आपको कन्फ्यूजन्स थी गिट के हवाले से वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।